लोकसभा से राज्यसभा तक आज हंगामे का दिन रहा। एक दिन पहले राज्यसभा से हंगामे को लेकर वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आसन की तरफ फाइल फेंकना संसद का अपमान है। तो उधर लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। स्पीकर ने माना कि उम्मीद के मुताबिक काम की रफ्तार काफी धीमी रही। आज ही राज्यसभा में ओबीसी संशोधन बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा से ये पहले ही पास हो चुका है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सदन में हंगामे की। देखिए किस तरह से कल दरअसल काफी शोर शराबा हुआ था, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। और आज जब सभापति वेंकैया नायडू सामने आए तो काफी भावुक दिखे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह का आचरण सांसदों की तरफ से राज्यसभा में किया गया वो बेहद शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने खेद भी जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रूल बुक उठाकर फेंका गया वो बिल्कुल ही गलत था और इस तरह का आचरण बेहद अमर्यादित है और सांसदों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि कार्यवाही फिर शुरू हो चुकी है वहां पर और आज ओबीसी संशोधन बिल को लेकर के यहां पर चर्चा होनी है। कहीं लोकसभा से ओबीसी संशोधन बिल पास हुआ था और आज अब राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष लगातार कृषि कानून वापसी को लेकर हंगामा कर रहा है। The parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy, distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this august house to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody.